कल आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने आरोप लगाया था कि पिछली वाईएसआरसीपी की सरकार ने त्रिपति प्रसाद के लड्डू में एनिमल फैट का इस्तेमाल किया था। भाजपा ओबीसी अध्यक्ष लक्ष्मण ने गुरुवार को कानूनी कार्रवाई की मांग की थी और आज इसकी रिपोर्ट सामने आ गई है, जिसे जानकर आप हैरान हो जाएंगे। क्या है वो रिपोर्ट, बताते हैं आपको इस खास रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं कीर्ति और आप देख रहे हैं वन वर्ल्ड न्यूज। विश्व प्रसिद्ध तिरुपति वेंकटेश्वर मंदिर के प्रसाद में मिलावट की पुष्टि हो गई है। टेस्ट रिपोर्ट के अनुसार प्रसाद बनाने वाले घी में जानवरों की चर्बी की पुष्टि हुई है। कल जब चंद्रबाबू नायडू ने जगन मोहन रेड्डी की सरकार पर यह आरोप लगाया तो वाईएसआरसीपी की पार्टी के नेताओं ने इस आरोप को कतई झूठ बताया, साथ ही भगवान बालाजी की कसम भी खाई थी। लेकिन आज जब लैब रिपोर्ट आई तो ये साफ हो गया कि चंद्रबाबू का दावा एकदम सही था। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड से जो रिपोर्ट आई उसमें साफ हो गया कि प्रसाद बनाने वाले लड्डू के घी में गौ मांस की चर्बी, मछली के तेल, ताड़ के तेल और कुछ मात्रा में लेड भी मौजूद बताया है। लैब रिपोर्ट में ये भी लिखा था कि लड्डू बनाने में शुद्ध नहीं बल्कि एनिमल फैट का इस्तेमाल हुआ है। टीडीपी प्रवक्ता अनम वेंकट रमन रेड्डी ने कहा, जगन सरकार के द्वारा लड्डुओं में जानवरों की चर्बी का इस्तेमाल किए जाना त्रिमला वेंकटेश्वर स्वामी की पूजा करने वाले हिंदुओं की आस्था और विश्वास के साथ गहरा विश्वासघात है और साथ ही सरकार ने मंदिर की पवित्रता को भी नष्ट किया है। दुनिया भर से लोग तिरुपति बालाजी के दर्शन करने आते हैं और भगवान को खूब चढ़ावा चढ़ाते हैं। तिरुपति बालाजी के इस मंदिर में दुनिया में सबसे ज्यादा चढ़ावा आता है और बदले में लोगों को भगवान के आशीर्वाद के तौर पर लड्डू दिए जाते हैं। लेकिन जब उन लड्डू में ही मिलावट हो, वो भी गाय की चर्बी, मछली के तेल, तो भक्तों के साथ धोखा और घोर पाप है। चंद्रबाबू नायडू ने बहुत अच्छा किया जो इस पाप का पर्दाफाश किया। अब आरोपियों को सजा दिलाना भी उनका काम है। जल्द से जल्द जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो, क्योंकि भक्तों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ हुआ है, उनमें गुस्सा है जिससे माहौल खराब हो सकता है, इसलिए जल्द ही एक्शन लेना चाहिए। ऐसी और जानकारी पाने के लिए फॉलो करें वन वर्ल्ड न्यूज। धन्यवाद।